मेवात जिले में पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय कुमार तथा एसपी वरुण सिंगला नुहू दलवल के साथ फील्ड में उतर चुके हैं। वोटिंग के दौरान गोकलपुर, चांदड़ा का, बोभलेड़ी इत्यादि गांव में जो पथराव और गोलीबारी की खबर आई है उसमें किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। झूठी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने कहा है कि कुछ लोगों को चोटें आई हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उनकी संख्या के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। चांदड़ा का गांव में एक होमगार्ड के जवान को भी चोट लगी है। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने कहा है कि चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई थी। तकरीबन 4200 जवानों को फील्ड में उतारा गया था। उन्होंने कहा कि जहां भी झगड़े की किसी भी प्रकार की खबर मिलती है तो वह उपायुक्त अजय कुमार के साथ दलबल के साथ मौके पर पहुंच रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि मेवात जिले में कई गांव में झगड़े की खबरें जैसे ही उन्हें मिली तो पूरे दलबल के साथ उन्होंने उस गांव का रुख किया। चांदड़ा का गांव में खुद उन्होंने पहुंचकर मोर्चा संभाला और मतदान को सुचारू कराया गया। कुल मिलाकर जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई गांवों से झगड़े की खबर सामने आ रही है। दोनों अधिकारियों के पत्रकारों से बातचीत के बाद एक बात तो साफ है कि अभी तक झगड़ों में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन कितनी चोट घायल हुए हैं, चोटें लगी हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इसका कुछ अभी घंटे बाद ही पता चल पाएगा। पंचायत चुनाव से खबर संबंधित देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, इन गांव में छुटपुट घटनाएं जो हैं आपस में सरपंच जी को चुनाव को लेकर जो है रिपोर्ट हुई थी। तुरंत रिपोर्ट होते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हर जगह पे मोर्चा संभाल लिया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से सभी वोटर्स अपना मत के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चांदराका में फिलहाल हम खड़े हैं और यहाँ बिल्कुल पीसफुल सिचुएशन है। लास्ट वन एंड हाफ आवर से हम लोग यहाँ बैठे हैं और किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सेम इज बीइंग डन जो आपके दूसरे सभी बूथ्स हैं, सभी के लिए इनफ पेट्रोलिंग पार्टीज एंड स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टीज एंड रिजर्व्स आर देयर टू मेंटेन पीस एंड काम। देखिए, ये सब फेक न्यूज़ है, अफवाहें हैं। एक होमगार्ड को चांदराका में यहाँ पर एक पत्थर लगा था, लेकिन वो माइनर एक चेस्ट के पास लगा था। देयर इज नो मेजर हार्म, मेजर इंजरी टू दैट होमगार्ड। ही इज बीइंग ट्रीटेड वेल। उसके अलावा जो बाकी जगहों पे जो न्यूज़ है ये सभी फेक न्यूज़ हैं। माइनर स्टोन इंजरीज हुई हैं जिसको रूमर की तरह बना के चलाया जा रहा है। कृपया इन पर विश्वास ना कीजिए। सर, कुछ संख्या का पता लग पाया हो, कितने लोग इसमें घायल हुए? अभी तक कोई हमारे पास इस चीज़ की पुष्टि नहीं है। जब एक बार ये कुछ हमारे पास अस्पताल से क्लैरिफिकेशन आएगा कितने लोगों को इंजरी हुई है और किस इंसिडेंट में हुई है, उससे हमें कन्फर्म हो पाएगा कि टोटल कितने लोग हैं। तब तक ये सभी फेक न्यूज़ जो है रूमर्स चल रहे हैं। 4000 देखिए, हमें अपने रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। हमने रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन पूरी तरह से किया। जो हमारे पास हेडक्वार्टर से और हमारे पास खुद का पुलिस बल था, पूरी तरह से चुनाव में अंदर झोंक दिया गया है और पूरी वेल प्लानिंग के साथ हमने जो फोर्स की मोबिलाइजेशन है वो इंश्योर की है। मोर देन 135 हमारे पास कुल विभिन्न रूपों में पेट्रोलिंग पार्टीज काम कर रही हैं। रिजर्व फोर्स हमारे पास है, उसके अलावा बूथ ड्यूटीज हैं, स्टैटिक ड्यूटीज हैं। इस प्रकार से हमने पूरी चुनाव की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की तैयारी कर रखी है। इस प्रकार के इंसिडेंट्स मेवात में जो है वो पहले के इलेक्शंस में भी रिपोर्टेड हुए हैं और देर इज़ नो मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस एंड द पोल प्रोसेस इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड इन एनी ऑफ द बूथ्स। द पोल इज गोइंग ऑन स्मूथली। दीज आर द माइनर जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो लोग कुछ कर रहे हैं वायलेंस, जिसको हम टैकल कर रहे हैं। जिले के मतदाताओं से अपील है कि आप शांतिप्रिय तरीके से पोलिंग बूथ पर आएं और अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं, किसी के बहकावे में आकर किसी प्रकार की वायलेंस में हिस्सा ना लें। जिन जिन विलेज से झगड़े की हमारे पास खबर आ रही है उसी वक्त हम अपनी टीमें मोबिलाइज करके जो मौके की स्थिति है उस पर काबू पा रहे हैं एंड शांतिपूर्वक अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। चांदड़ाका में भी अभी झगड़े की हमारे पास खबर आई थी, उसके बाद मैं और एसपी साहब और बाकी जो हमारा पुलिस बल है उसके साथ हम मौके पे आए एंड शांतिपूर्वक चुनाव जो है वो भी चल रहा है।